वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं आपका पाकिस्तान टीवी। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये 1983 मॉडल है। ये गाड़ी को मॉडिफाई करवाया गया है। इस गाड़ी की बेसिक हिस्ट्री मैं आपसे शेयर करता जाऊँ। ये गाड़ी 1979 में पूरी दुनिया में मुतारफ कराई गई थी। ये गाड़ी आज की सुजुकी आल्टो की फर्स्ट जनरेशन गाड़ी है। इस गाड़ी को मॉडिफाई कराने में कितना टाइम लगा और कितने पैसे खर्च हुए, इस गाड़ी के ऑनर अली खान से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे इस गाड़ी को मॉडिफाई कराने में आपके कितने पैसे खर्च हुए और कितना टाइम लगा? सर मेरा इसके ऊपर तकरीबन 2-2.5 महीने खर्च हुए हैं और उसमें 2-3 महीनों में मेरा इसके ऊपर 3 लाख रुपया। आपका 2-2.5 महीने टाइम इसके ऊपर लगा इसको तैयार करने में? जी सर, 2-2.5 महीने लग गए मेरे इसके। इसके ऊपर टोटल पैसे कितने खर्च हुए हैं? 3 लाख रुपया लगा हुआ सर। 3 लाख रुपया इसके ऊपर लगा हुआ है। जी सर। क्या आप मजीद हमारे व्यूअर्स को बताएंगे इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में कि आपने इसमें क्या मॉडिफाई करवाया है? जी सर, जरूर बताएंगे इसके। मैंने इंटीरियर और एक्सटीरियर में बेशुमार मैंने किया इसमें मॉडिफिकेशन। एक्सटीरियर सबसे पहले सर इसका पेंट आता है एक्सटीरियर में, जो इसको मैंने पेंट किया हुआ तकरीबन ये टोयोटा पासो का पेंट है। जी, मैंने सारी बॉडी इसकी बिल्कुल जीरो करवा के करवाई थी गाड़ी। जी, क्योंकि इसका कलर पहला कुछ और था, बॉडी तो मैंने वाइट से तो रेड में लाया हूँ। अभी इसके आपने टायर, अलार्म, उसके अलावा बॉनेट, ये सब कुछ आपने चेंज करवाया हुआ है, इसका जेन्युइन अपना है? मैंने इसकी ये बम्पर लाइटें चेंज करवाई हैं, स्पोर्ट्स बम्पर लाइटें इसको लगी हुई हैं। ये लाइटें मैंने इसकी लाइट हेडलाइट चेंज की है, इसके अंदर मैंने HID लगाई हुई है 150 वाट। जी जी। तो उसके बाद आगे मैंने TRD लगाया हुआ है इसको, और GDM स्टैंड इसको कहते हैं नंबर प्लेट के लिए। जी जी। उसके बाद मैंने इसके हैंड लोगो लगवाया हुआ, कार्बन पेपर लगवाया हुआ स्पोर्ट्स लुक के लिए। इसके बाद ये इसके एयर प्रेस लगे हुए हैं। जी जी। स्पोर्ट्स लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर ये JDM स्टैंड लगवाया हुआ है खूबसूरती के लिए इसकी। ये इसके साइड मिरर इसके अपने जेन्युइन है? नहीं सर, ये बाद में आए थे। ये बाद में आए थे? ये बाद में आए थे। ये कौन से मॉडल के लगाए हुए हैं आपने? सर ये FX के ही हैं। मैंने ये मिले मुझे पिंडी से थे। पिंडी इसके से जो अपना था उसका जरा व्यू थोड़ा छोटा था। छोटा था। ये इसके अपने ही थे, बाद में जो बनाए हैं पिंडी से मुझे मैंने ये परचेज किए थे। जी जी। बैक पे आ जाए तो बैक पे मैंने इसकी बैक लाइटें चेंज की हुई हैं। जी जी। ये भी स्पोर्ट्स लुक के लिए मैंने की थी, बम्पर लाइट नीचे लगाई हुई है। जी जी। उसके बाद नीचे स्लेंसर कवर लगा हुआ है इसको। जी जी। साइड इसकी जेन्युइन ही अपनी हालत में मैंने ये किया, मैंने नीचे इसको ये साइड स्कर्ट वाला पैनल लगवा दिए हैं। जी जी। उसके बाद इसके मैं अलार्म की तरफ आ जाऊँ, मैंने इसके अलार्म चेंज करवाए हुए हैं। 12 इंच के उसको जेन्युइन आते हैं, मैंने इसको 13 इंच में लगाए हुए हैं। 13 इंच का अलार्म है, 13 इंच के ही टायर हैं इसको। अच्छा, ये अलार्म 13 इंच के लगाने से क्या गाड़ी की स्पीड में कुछ फर्क पड़ा? नहीं सर, मेरी गाड़ी की रोड ग्रिप ज्यादा हो गई है। रोड ग्रिप ज्यादा हो गई, स्पीड मेरी वही है अभी भी 140-145। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 160 पे जाती है सर। 160 पे जाती है। इसके अलार्म बड़े ज़बरदस्त हैं, आपने किधर से लिए थे ये वाले? सर ये मैंने ये सियालकोट से परचेज किए थे। जी जी। ये डीप डिश रिम इसको कहते हैं। ये बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादा नहीं, आम रिमों की तरह ये नहीं मिलते, इनको मंगवाना पड़ता है। ये मलेशिया के बने हुए हैं रिम, जो से मैंने मंगवाए हैं उस बंदे ने मुझे मंगवा के दिए हैं बाय थ्रू इधर से हैदराबाद से, कराची से या हैदराबाद से उसने एबिलिटी के थ्रू मंगवा के दिए। आपने इम्पोर्ट किए हैं ये वाले? जी सर। अभी आप देखें इसका आगे से ये बोनट पीछे से उठा हुआ है। जी इसके जी। नीचे मैंने स्पोर्ट्स लुक देने के लिए इसके नीचे स्पेसर लगे हुए हैं। जी जी। ताकि इसको थोड़ी सी मॉडिफाइड लुक इसकी आए, ये इसको मैंने ये किया। जी जी। इसके इंजन रूम में आप कुछ चेंजिंग करवाई है आपने सर? नहीं सर, इसका इंजन रूम अपना ही जेन्युइन है जैसे था। इंजन भी जेन्युइन है, रूम भी जेन्युइन, मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की। ये इंजन कितने सीसी? 800 सीसी है सर। इसका इंजन 800 सीसी था जो आया था, आज भी वही लगा हुआ है इसको। मैंने इसको दोबारा रिपेयर करवाया, बस उसको हल्का सा ये मैंने टच देने के लिए इसको कलर करवा दिया था। ये कलर, ये स्टिकर, ये वगैरह, ये सब उसके अपने आए थे। ये सब जेन्युइन है? जी सर, ये सब जेन्युइन थे। इंटीरियर में मैंने इसको ये पैनल लगवाया, टच पैनल है ये। जी जी। ये टच पैनल है? जी सर, ये टच पैनल है। 32 GB इसकी मेमोरी है। उसके बाद इसमें मैंने स्टेयरिंग थोड़ा चेंज किया गाड़ी का, ये मोमो स्पोर्ट स्टेयरिंग है ये लगवाया। फिर मैंने एक गियर नोब चेंज की, ये वाली, ये भी स्पोर्ट नोब, मोमो की गियर नोब है ये। जी जी। डैशबोर्ड इसका जेन्युइन है अपना जैसे भी लगा हुआ है। ये ब्लैक कलर में ही आया था, इसका जेन्युइन ब्लैक तो नहीं था सर। ये 83 मॉडल जापानीज मॉडल था, इसको ब्लैक डैशबोर्ड ही आया था। ब्लैक ही आया था? जी सर। वैसे ज्यादा देखने को वो येलो टाइप कलर मिलता है, पीच कलर। सर वो बीच कलर इसलिए था, वो पाकिस्तान जब असेंबल होने लग पड़ी थी गाड़ी, फिर ब्लैक डैशबोर्ड उसमें नहीं था। जी जी। इसका ब्लैक डैशबोर्ड था, ब्लैक ये दरवाजों की जो पोशिश थी वो भी ब्लैक थी। जी जी। नीचे से भी छत इसकी अपनी थी जेन्युइन, जो भी ये पोशिश मैंने पिंडी से करवाई है, ये रेड जोन से। एंड रूम जो इसका अंदर तैयार हुआ हुआ है, ये तकरीबन मेरा इसके ऊपर 32,000 लगा था सारे रूम पे। आपको 32,000 टोटल लगा था। ये LCD के साथ मेरा पीछे बूफर पड़ा हुआ गन मोड का, वो मैंने लगवाया, मेरा 30-32,000 इस पर लगा। मैंने ये दो चीज़ें लादा इसमें लगवाई साउंड के लिए। आफ्टर मार्केट मैंने इसको आगे स्पीकर लगवाया डोर में। डोर में स्पीकर भी आप, ये
ये साइड डोर में लगे हुए हैं जी। ये साइड डोर में मैंने इसको स्पीकर लगवाया ताकि जब बूफर पे चले आगे इनकी आवाज़ अलग आए। पीछे इसको जनवन आए थे छोटे स्पीकर, उनमें इतनी आवाज़ नहीं थी। फिर मैंने ये आफ्टर मार्केट आगे से लगवाया था ये स्पीकर इसको बाद में। जी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आपका पाकिस्तान टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।